कराची के मौसम की बात करें तो कराची का मौसम पल पल अपने रंग बदलने लगा है। बारिश बरसाने वाले बादलों ने अपना रुख एक बार फिर से तब्दील कर लिया है। शहर में तेज़ बारिश का ख़तरा अब टल चुका है। मलिर, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड समेत चंद एक मकामात पर हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब कायद के शहर में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची में बारिश बरसाने वाले बादलों ने अपना रुख एक बार फिर तब्दील कर लिया। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में तेज़ बारिश का ख़तरा टल चुका है। रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। रबिया, बताइए कि कराची का मौसम इस वक्त कैसा है और आइंदा 24 घंटों तक कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कराची के अगर मौसम की बात करें तो शहर में छाए हुए जो सुबह से बादल थे वो अब लौटना जो है वो शुरू हो गए हैं, और उसके बाद अब जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि धूप हुई है, साथ साथ जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरिब किस्म से तकरीबन 32 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जिनका सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज रात तक मतला जो है वो कराची में साफ हो जाएगा, जिसके बाद आज या कल कराची में मजीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कुछ घंटों का बल जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिपोर्ट हुई, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई, ताहम तेज़ बारिश की जो है वो कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। और महकमे मौसमियात का भी अब यही कहना है कि सिस्टम ने जो है वो रुख तब्दील कर लिया था और वो मशरक़ की बजाय जो है वो शुमाल मशरक़ के सिमत आम में दाखिल हो गया, जिसके बायस जो है वो कराची में कहीं भी तेज़ बारिश रिपोर्ट नहीं हुई। जी ठीक है रबिया खान, बहुत शुक्रिया आपका।